संभल कर जाना। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? और तुम्हें? मुझे भी कुछ नहीं हुआ। समझ बैठे हैं? मुझे आतंकवादी समझ रहे हैं? वो लोग पागल हैं क्या? हाँ, वो भी पागल हैं। स्नाइपर्स ने आतंकवादी को शूट नहीं किया, डीजल लोगों की दाहिनी तरफ की सेफ्टी ब्रेक स्विच पर निशाना था। अगर उस पर बुलेट लग जाती तो स्विच ऑन होकर डीजल टैंक के सेफ्टी वॉल्व को ओपन कर देती, डीजल खत्म हो जाता और ट्रेन रुक जाती। इट वुड हैव बीन इजियर फॉर अस टू स्टार्ट द नेगोशिएशन। दैट वाज आवर प्लान। आई कैन अश्योर यू अवर स्नाइपर्स आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट। वो चाहते तो आतंकवादी को सिंगल शॉट में मार गिराते। एक्सक्यूज मी सर, फिर ब्रेक स्विच पे ठीक तरह से गोली मारना चाहिए था ना? सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट वॉज अ फास्ट मूविंग ट्रेन, द टारगेट वॉज वेरी स्मॉल। उसके अलावा वो लड़की इधर उधर भाग रही थी, दैट वॉज अ वेरी बिग डिस्टर्बेंस फॉर अस, दैट्स व्हाई। एनी मोर क्वेश्चंस? डीजल टैंक पर गोली चलाएंगे, डीजल बाहर गिरेगा और ट्रेन रुक जाएगी, सब मारे जाते तो? ये सब विपक्ष की एक चाल है। मंत्री जी को अगर कुछ हुआ ना भाई, गोली विपक्ष पार्टी ने नहीं, एनएसजी ने चलवाई है ना? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भाई, आप ही समझाइए इसे। जाने दो ना, ये इतना कुछ नहीं जानता। वैसे आज भीड़ जमा होगी, ये पूछना उससे। क्यों डॉक्टर, इनके लिए कोई ट्रीटमेंट है क्या? बच गया, बच के भाग गया मेरे हाथों से वो। शांत हो जा सर। क्या हुआ सर? व्हाट हैपेंड? वो छत पर है सर। कौन? छत पे है सर वो। कौन छत पर? हिलो मत। वही सर, वो ट्रेन वाले लड़का लड़की सर, आपको तो पता है सर। वही है। नहीं मरे सर। हा? वो दोनों टेररिस्ट नहीं मरे हैं। कौन से टेररिस्ट? वही सर, वो मुखी कुमार, वो पेंट्री में नहीं है सर, पक्का टेररिस्ट है, देशद्रोही है सर। वो हमें मार डालेगा, देखिएगा। पहले हमें उसे मारना होगा, उसे हमें कैसे भी मारना होगा सर। Hey, hello. Please take care of him. Come, let's go to the pantry. Cool, cool, take care. आप कहें तो छत पर जाकर उस आतंकवादी पर अटैक करें। No, 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 no. पहले एंट्री में इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद ही मूव करेंगे। Come fast. Sir, शांत। आप नहीं मारेंगे, मैं उसे मारूंगा। सरकार की तरफ से जो हमला किया गया है वो आतंकवादियों के लिए कहा जा रहा है। ट्रेन को रोकने के लिए कोशिश की जा रही है, ये बात एनएसजी के अधिकारी ने कहा। बोला ना नहीं चाहिए। कहना है कि जब तक आतंकवादी मेरी सारी जायदाद ऐसे क्यों बांट रहा है? जिंदा घर लौटने का ठिकाना नहीं और तुम्हें जायदाद की पड़ी है। एक बात तो है सर, जैसा बोला वैसा ही किया आपने। क्या किया रे? ट्रेन हुआ। किसने? आपने। ये बकवास करने की जगह है क्या? सर, मुखी कुमार आपका असिस्टेंट है, सारे चैनल्स बता रहे हैं कि वही मेन आतंकवादी है, उसकी जो प्रेमिका है वो ट्रेन अगवा करके ले जा रही है और आप कैप्टन है, इसीलिए ये बात होता है, सारी साजिश आपकी ही है। अरे ये कैसी साजिश, साजिश की बात कर रहा है? तो क्या हमारे सर हीरोइन सबको जेल में डाल देंगे? हाँ, बिल्कुल, हीरोइन को भी। और क्या, दाऊद के साथ जो भी हीरोइन लिंक में थी सबको अरेस्ट किया था ना? हाँ, वो तो है। इसी तरह आपके लिंक में ये हीरोइन है। मेरे लिंक में? और नहीं तो क्या, कटलेट में तीर बनाकर भेजा था कि नहीं? तीर मतलब आपके पास हथियार भी है क्या सर? क्या हथियार? हथियार सर, कटलेट देना भी कोई जुर्म है क्या? जुर्म है ना, कई साल पहले हमारे गांव में एक नेता की हत्या हुई थी। हत्या करने वाले को जिसने चाय पिलाई थी, बैटरी सप्लाई की थी, साइकिल रखने की जगह दी थी, वो सब भी 20-20 साल की सजा भुगत रहे हैं सर। अगर उनकी ये हालत है तो आप तो पूरी ट्रेन को अगवा करके सारे लोगों को मरवाने वाले हैं, आपका क्या होगा सोच लीजिए। 30-40 साल की जेल तो होगी, ये विकेट तो अंदर ही गिर जाएगा। नहीं नहीं, इतने सालों तक अंदर नहीं रखते, बर्थडे वाले दिन सुबह सुबह फांसी देते हैं। किसके बर्थडे पर? आपके बर्थडे पर सर। डराओ मत यार। डरा नहीं रहा सर, तैयार रहने को कह रहा हूँ। वैसे भी थोड़ी देर में वो आपको अरेस्ट तो कर ही लेंगे, उसके बाद इंक्वायरी, केस, इन्वेस्टिगेशन, जीना तो दुश्वार होने ही वाला है सर आपका। हमारा तो फिर भी ठीक है, कुंवारे हैं, जहाँ बोलेंगे बैठ जाएंगे चड्डी पे। लेकिन आपकी हालत सोचकर बहुत बुरा लग रहा है सर, ना तो चड्डी पहनते हैं और ना ही लंगोट बांधते हैं। बर्फ पे नंगा लिटाकर 4-5 पुलिस वाले जब मारेंगे ना तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा पीछे से सर, मैं तो बहुत परेशान। वो बंद करो। देखो भाई, अंदर का आतंकवादी बाहर आ रहा है। तुझे अब पता चला क्या, इतने दिनों से ये कॉमेडियन का नाटक कर रहे थे। ए, कौन कॉमेडियन का नाटक कर रहा था? ओरिजिनल टेररिस्ट हूं मैं, ISIS, हमास, हेपकॉन, उल्फा, इन सब नामों से दुनिया को हिला रहा हूँ। सभी आतंकवादियों का साउथ इंडियन चीफ हूँ मैं, पता है तुझे? अब तुझे डर लग रहा है ना, मुझे डराते हो तुम लोग। नागपुर में जो बॉक्स आए थे उन्हें राशन का सामान समझा होगा ना, वह सब टाइम बॉम्ब सेट किए हुए RDX हैं। सारे ट्रेन में फिक्स कर चुका हूँ, आधे घंटे में देखना एक एक कोच कैसे उड़ते हैं, 2-2 किलोमीटर तक उड़ते दिखेंगे। अगर उसके बाद भी तुम सब बच गए तो मेरे पास AK-57 है, सबको एक बार में थर 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 थर
इसलिए तुम सब खड़े हो गए थे, मुझे देता हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, टीवी न्यूज वाले फोन पर है सर। जी सर। हेलो मंत्री जी, नमस्ते। नमस्ते दर्शकों, डीसी एक्सप्रेस से केंद्रीय मंत्री श्री रघुराज जी अभी हमारे साथ फोन पर मौजूद है, हम उनसे बात करने वाले हैं। अरे मुझे फोन लगाकर वहाँ किससे बात कर रहे हो? मंत्री जी, आतंकवादी जब आपको अगवा कर रहे थे उस समय का अनुभव कैसा है? ऐसा लग रहा है जैसे अगवा होने का नहीं मोहब्बत का अनुभव पूछ रहा है। जी सर। अच्छा ही था, थोड़ा बहुत कष्ट हुआ। मंत्री जी, आतंकवादी जब आपसे आकर मिले तो उस समय उन्होंने आपसे आपसे कोई रहस्यमय बात भी की थी क्या? वो बात हमें बताएंगे तो हमारे दर्शकों को सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा। ना तो मुझसे कोई मिलने आया और ना ही किसी ने मुझसे बात की। मिलने कोई नहीं आया? नहीं आया। तो आप ही उन आतंकवादियों को कुछ बोल दीजिए। ए गोपाल, आतंकवादी मेरी बात मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे सर। हाँ, तुम तो जानते ही हो। देखिए, आतंकवादियों को मैं एक बात कह देना चाहता हूँ। मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में मेरे लिए सब कुछ जनता है। इस ट्रेन में शायद कुछ 700-800 लोग होंगे, उनके लिए मुझे जमानत के तौर पर रख लो। किसी भी जनता की जान नहीं जानी चाहिए, चाहो तो उसके बदले मेरी जान ले लो। सच में जान देने वाले हैं सर? सुन लिया ना, हमारे मंत्री जी की वीरता और त्याग का कोई और सबूत चाहिए क्या? वीरता और रंगराजन के पास? अब चुप भी करो। एक बार क्या हुआ था कि पिछले साल आर्य समाज वालों ने एक मीटिंग में इन्हें भाषण देने के लिए बुलाया था। कहीं से ये आवाज सुनाई दे गई कि भाषण दोगे तो पत्थर पड़ेंगे। सिर्फ यही कहा था कि पत्थर मारेंगे, हाथ गोला नहीं। बस इतना सुनते ही ये रास्ते से ही उल्टे पांव वापस भाग खड़े हुए। इसे वीरता कहते हैं? कायरता है ये। वो इंसान एक नंबर का डरपोक है। हेलो, केंद्रीय मंत्री के बारे में ऐसा बोलते हैं क्या? ये राजनेता के नाम पर किस जाहिल को लाकर बैठा रखा है? क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? केंद्रीय मंत्री को कायर बोल रहे हैं, डरपोक बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कहा? ये देखो सर, ये तो अपनी ही बात से इनकार कर रहे हैं। मिस्टर पवन कुमार, केंद्रीय मंत्री जी को आपने कायर और डरपोक कहा था? मैंने कहा? जी बिल्कुल, केंद्रीय खाद्य मंत्री को कायर और डरपोक आप ही ने कहा था। अभी तो ये आप कह रहे हैं और थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा था। मैंने कब कहा? क्यों भाइयों, मैंने ऐसा कुछ कहा था क्या? हाँ सर, आपने ऐसा कहा था सर। क्या आप ही इनकी बातों में आ गए? जरा सुनिए, इस तरह की बेहुदा बात मैं अपने मुंह से बिल्कुल नहीं कर सकता और मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। ये सत्य है, कटु सत्य है। एक बार रिप्ले दिखाइए तब इनको विश्वास होगा। बिल्कुल दिखाइए, बेइज्जती आपकी ही होगी। मिस्टर पवन कुमार, रिप्ले दिखाया ना तो आप पूरे देश के लिए मजाक बनकर रह जाएंगे। अरे श्री सागर, मुझे तो सेल्फी लेनी है। नमस्ते सर। आपके पास वो लड़की कितने दिनों से काम कर रही है? सर एक्चुअली ये आदमी लाया था उस लड़की को। ये आदमी इधर, ये आदमी है वो। हेलो, वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है? वो मेरी बहन की लड़की है। क्या? माय सिस्टर्स सन, डॉटर। आई मीन वो बेकसूर है सर। वो हम बताएंगे। सर मैं भी बेकसूर हूँ सर। ये आदमी बहुत बदमाश है। ये बेकसूर बिल्कुल नहीं हो सकता, इस पर भरोसा मत कीजिए सर। पता है पिछले 6 महीने में उसे किसी से संदेहजनक बातें करते हुए या उससे किसी को बातें करते देखा है क्या? नो सर, एक्चुअली इसकी असिस्टेंट मुखी कुमार को मैंने अक्सर उससे बात करते हुए देखा है, वही उसे भगा कर ले गया होगा। आज सुबह ही मैंने उन दोनों को बात करते हुए देखा था सर। मुखी कुमार? हाँ सर, इस आदमी का असिस्टेंट। सर सुबह के कुछ 4 बजे होंगे सर, ये आदमी उस लड़की से कंबल ओढ़कर कुछ तो खुफिया बातें कर रहा था सर। क्या बात की थी उसे? सर मैंने सुना था सर, सब लोग प्लान कर रहे थे कि ट्रेन को बॉम्ब से उड़ा दिया जाए सर। कुछ भगवान, इसकी शायरियाँ नहीं सुनी इसलिए बदला ले रहा है। ऐसा कहा था सर? कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। hey, कहा था ना? कहा था सर। चलो चलो सब चलो, फंसा रहे हो ना मुझे, देखना तेरी शायरी सुनकर तेरी पत्नी किसी दूसरे के साथ भाग जाएगी। और हाँ सर, इस आदमी की असिस्टेंट और उस लड़की को ट्रेन की छत से उतरते हुए मैंने 6:30 बजे खुद देखा।